1.26 केजी हम आपको रिफ्रिजरेंट चार्ज करना रहेगा। और अभी अब ट्री डायग्राम में देखते हैं हम उन लोग ने कितना दिया है। वो लोग सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हैं, देखिए आप 2.26 इन्होंने डबल किया हुआ है। आज मैं आपको ये रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन कैसा करते हैं ये बताऊंगा। यूजुअली रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन आपको सप्लायर के थ्रू आ जाएगा, अगर आप उनको करेक्ट एग्जैक्ट एज बिल्ड कॉपर पाइप लेंथ, उसकी रूट कैसा रन हो रही है, तो वो कैलकुलेट करके उनके सिस्टम में रहता है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, तो वो लोग आपको ट्री डायग्राम में बता दे सकते हैं। ट्री डायग्राम मैं इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में। और अगर बाई चांस आप रूट चेंज कर रहे हैं या कोई रीज़न से आपका कॉपर पाइप की रूट चेंज हो गई या पाइप साइज चेंज हो गया, लेंथ ज़्यादा या कम हो गई, आपको रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन मैनुअली करना है, तो कैसा करना मैं ये बताऊंगा आपको। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। आपको हर टी डायग्राम में सिस्टम नेम बोल के आता है। फर्स्ट आप रेफरेंस के लिए अभी मैं जो बता रहा हूँ सिस्टम नेम वो देख लीजिए। यहाँ पे एक सिस्टम नेम दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एलजी से मिला है मेरे को। हम एलजी का वीआरएफ सिस्टम का रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सिस्टम नेम दिया हुआ है, ये बस हम एक रेफरेंस के लिए नोट करते हैं कि ये सिस्टम के लिए हम रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिस्टम नेम लिख देता हूँ। ये सिस्टम नेम है बिल्डिंग 1 6th फ्लोर कंडेंसिंग यूनिट नंबर 10। मीन्स ये फ्लैट नंबर 10 के लिए हम लोगों का कंडेंसिंग यूनिट रेफरेंस है। 6th फ्लोर पे है ये फ्लैट और बिल्डिंग 1 है। आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएंगे। F10 लिखा हुआ है, ये F10 बेडरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, बेडरूम 2 है ये बेडरूम नंबर 1 है। तो अभी आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पे 3 FCU से इंटरनल और एक आउटडोर को कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक FCU, एक 3 हो गए, ये वाई जॉइंट है, ये वाई जॉइंट है, ये आउटडोर करने जा रहे हैं। तो मैं जो आपको बोल रहा था, अगर आप एग्जैक्टली पाइप लेंथ दे देंगे सप्लायर को, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिफ्रिजरेंट कैलकुलेशन, एडिशनल रिफ्रिजरेंट कितना चाहिए ये भी बता देंगे ये लोग। तो कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले मशीन नीचे से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर मॉडल लिख रहा हूँ मैं, अरुण 42 है, ठीक है, अरुण 42 एक रेफरेंस लिख दिया हूँ मैं। पाइप साइज, अब यहाँ पर दो पाइप साइज लिखे हुए, एक 3x8 एक 5x8। पाइप साइज दो क्यों है, एक लिक्विड लाइन रहती है एक गैस लाइन रहती है, बराबर। तो फर्स्ट वाला हमेशा हमारे को लिक्विड लाइन रहती है और सेकंड वाला 5x8 हमेशा गैस लाइन रहती है। लिक्विड लाइन हमेशा गैस लाइन से छोटी होती है साइज में और गैस लाइन हमेशा बड़ी होती है। तो हम लिक्विड लाइन लेंगे 3x8, ठीक है, और लेंथ 5.9। अभी यहाँ पर जो लेंथ लिखी हुई है मैं वही कंसिडर करूँगा, आपको साइड पर आपकी जो लेंथ है वो आप कंसिडर करिए। मैं 5.9 मीटर लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब सेकेंड मॉडल अरुण 12, इसके लिए अरुण 12 पाइप साइज है 1x4 और लेंथ है 2.9 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आपको एक वाई जॉइंट आएगा, वाई जॉइंट के बाद फिर एक ही पाइप जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे Y1 और इसका पाइप साइज है 3x8 अगेन और इसकी लेंथ है 4.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे ये ऊपर वाली मशीन, ये अरुण 15, तो अरुण 15 का पाइप साइज है अगेन 1x4 एंड पाइप लेंथ है 2 मीटर। फिर एक वाई जॉइंट आ गया है, यहाँ से ये वाई जॉइंट से पाइप गया, फिर ये मशीन का वाई जॉइंट कनेक्ट होकर आउटडोर को जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे Y2, Y2 का पाइप साइज है 3x8 और लेंथ है 8.5 मीटर, ठीक है। अभी अब हम इसके लिए चार्ज कैलकुलेट करेंगे। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको हर सप्लायर का, एलजी हो, डाइकिन हो, करियर हो, मित्सुबिशी हो या टेरेन हो, हर सप्लायर से चार्ज रेफ्रिजरेंट चार्जिंग का चार्ट मिलता है, तो वो चार्ट ले लेना चाहिए। वो चार्ट आप यूज़ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पाइप साइज आपको ये फ्रैक्शनल में है, आपको कन्वर्ट करना रहेगा MM के अंदर।
तो हम पहले mm में कन्वर्ट कर लेते हैं ये फाइव साइजेस को। जैसे ये 3/8 है, हम माँ को 3/8 को कन्वर्ट करने का है mm में, ये फ्रैक्शन में है। 3/8 इंटू 25.4, ये कन्वर्जन फैक्टर है, तो 9.52 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 9.52 3/8 का, 3/8 जितने उतने लिख देंगे, 9.52, क्लियर है। इसके बाद 1/4, 1/4 इक्वल्स टू इंटू 25.4, एक इंच में 25.4 mm होते हैं, तो हम फ्रैक्शनल इंचेस से हम 20 mm में आ रहे हैं, तो ये कन्वर्जन करते हैं, 6.35 आ गया है, 6.35 mm, लिक्विड लाइन ही कंसिडर करना हमारे को, गैस लाइन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ज। जो शीट होती है ये चार्जिंग लाइन, ये मेरे को LG से शीट मिली है चार्जिंग लाइन की, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर मीटर कितने kg समा को चार्ज करना रहता है, कौन से पाइप साइज के लिए। तो हम हमारा पाइप साइज यहाँ देख लेते हैं कि कितना है, सो पाइप साइज हमारा पाइप साइज है 9.52 यहाँ पर है, उसके लिए चार्ज है 0.061। तो जहाँ जहाँ 9.52 है हम उसके लिए आगे लिख देंगे 0.061, ये भी 9.52 है 0.061, ये भी 9.52 है 0.061, और 1/4 के लिए वो है 6.35, वो यहाँ है, तो ये है 0.022। अब रिक्वेशन कैलकुलेट करने का, लेंथ इनटू चार्ज आपको आ जाएगा कितना है। यहाँ देखिए आप, टोटल लिक्विड पाइप लेंथ इनटू द चार्ज, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटर फिर से ओपन कर लेते हैं, 5.9 इनटू 0.061, 0.3599, नेक्स्ट 2.9 इनटू था, देखिए वो ऐड नहीं करना है आपको, ये इनटू करना है, लेंथ इनटू चार्ज 0.022, ये आ गया है आपका 0.0638। तो ऐसा एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा, 4.5 × 0.061। अगर आप ये एक्सेल में फॉर्मेट बना लोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा, मैं एक्सेल में एक फॉर्मेट बना के लिंक में अटैच करूँगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आपको ये फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, 0.022। बट कोशिश करिए पहले एक बार अपने हाथ से करने की ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए क्या चीज़ है, फिर एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट कर सकते हो आप, 0.5185, ठीक है। अभी हम ये पूरों को टोटल कर देंगे, 0.3595 + 0.2745 + 0.044 + 0.5185, 1.26 kg हमारे रेफ्रिजरेंट चार्ज करना रहेगा। और अभी अब ट्री डायग्राम में देखते हैं हम उन लोग ने कितना दिया है, वो लोग सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हैं, देखिए आप 2.26 इन्होंने डबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, तो आपकी जो रेंज रहेंगी रिफ्रिजरेंट चार्ज होने की 1.26 से 2.26 के रेंज के अंदर आपका रिफ्रिजरेंट चार्ज होगा ये, ओके। अगर आपके और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, थैंक यू। Oh, 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 oh